नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस SI मेल का जो आज 26 सितंबर को सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। अगर आप पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए अब साथियों, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फाइकोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि साथियों, प्रोटोन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। फोटोन गलत है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो इस जो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि फोटोन की खोज एच युकावा ने नहीं की थी। दूसरे क्वेश्चन के साथ एक ट्रिक रहती है, पैन आर टी सी, यानी कि प्रोटोन की रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, न्यूट्रॉन की चैंडविक। तो ये तीनों हो गए। तीनों अगर अपने को याद हैं तो इसका राइट आंसर हम ढूंढ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का प्रावधान है? तो SSC का प्रावधान है साथियों 315 अनुच्छेद में, ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन से राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं? तो साथियों, DP वत्स, जांगड़ा और दुष्यंत गौतम को अभी बनाया गया है। शायद इसका राइट आंसर कुमारी सैलजा हो सकता है। इंग्लैंड में केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है। इंग्लैंड चुनावों के दिनों में स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, रूसो का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर, रिकॉल को। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं, यानी कि इन जिलों के अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचकुला में भी, दादरी में भी और फरीदाबाद में भी, किसी भी ज़िले में नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लाडवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गेहूँ की फसल बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो साथियों, लगभग 24 या 25 डिग्री बताते हैं कि 24 या 25 डिग्री तापमान चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई गई? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त कटाई, डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला, कब खोला गया? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, 7 जनवरी 1986 को। हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है? सी इसका राइट आंसर होगा, यमुनानगर जिले में बन संतोर स्थित है। 13वां क्वेश्चन कंप्यूटर का, साथियों की खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा में आदि या अंत, इसमें साथियों ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, बिगिनिंग या एंड, यानी कि शुरुआत में या एंड में आप किस कर्सर से ले जा सकते हैं? तो होम और एंड की है ना, उसके द्वारा हम ले जा सकते हैं कर्सर को, शुरुआत में या अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर का है कि खालिस्तान सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूजलेट या ब्रोशर बनाने के लिए कौन क्या प्रयोग होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेनरिक शब्द खालिस्तान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो हार्डवेयर इसमें है डिवाइस, क्योंकि प्रोग्राम, निर्देश और आंकड़ा कोई भी हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकस्पेस कुंजी कर्सर से खालिस्तान के अक्षरों को मिटाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेफ्ट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये खालिस्तान सर्वर कहलाते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, नेटवर्क। नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट
रीजनिंग का क्वेश्चन है 19वां, यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुदेश्टांग, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना? तो बी इसका राइट आंसर होगा, 1858 में हरियाणा पंजाब का भाग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन हमें नहीं पता। 23वां क्वेश्चन मैथ का है, इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इनका 360 रहेगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, बी इसका राइट आंसर होगा, मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देना कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो ईरे की खान। भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई? तो इसका राइट आंसर साथियों हम 1860 कर सकते हैं, वैसे लागू तो 1862 में हुई थी, लेकिन 1860 में इसको शायद तैयार किया गया था, तो 62 ऑप्शन में नहीं है, तो 1860 आएगा, न कि 61 आएगा, 60 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर है जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित या दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, भारत उसे युगांडा को सौंपेगा, वहीं के हिसाब से उनके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि उसने अपराध ही युगांडा में किया है, उगांडा में। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब समाप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 अगस्त 2019 को। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून, दोनों ही यूज करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, श्री सोली सोराब जी। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है? तो साथियों इसका कन्फर्म आंसर तो नहीं पता, लेकिन अजीत डोभाल जी तो फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मैं जो भी ये आंसर छोड़ रहा हूँ, इनके आंसर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा साथियों कुछ देर बाद, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF भी उपलब्ध है, पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, या आप जो टेलीग्राम ऐप है उसके ऊपर डिजिटल फ्री शिक्षा सर्च करोगे तो भी हमारा चैनल है वो आ जाएगा, और उससे जुड़कर और आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? 2015, इसका राइट आंसर होगा सी। 33वां क्वेश्चन है साथियों, वल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो मोहिनीअट्टम, सी इसका राइट आंसर होगा। एक परिवार में पिता ने केक का, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर मैथ का है साथियों, ये डी इसका राइट आंसर होगा। 12, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? तो बी इसका राइट आंसर होगा, नेली। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 में। साथियों अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर बता देंगे सही उसका आंसर। अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तान की कमी से, तो ये साथियों इसका ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से। हरियाणा के पंचकुला ज़िले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? 2008 में, सी इसका राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो साथियों 39वें का ए राइट आंसर होगा, 15 जून 2005 को। 40वां क्वेश्चन है कि तेज की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? तो 10 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 30 और 50 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 3:5 10 साल पहले था, 10 साल कम करते हैं। 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पीला। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 26। 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 2500। हरियाणा में वन महोत्सव शायद 72वां वन महोत्सव मनाया गया है।
इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो साथियों सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 2020 में रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है और उससे पहले विराट कोहली को सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए दोनों ही ये जो खिलाड़ी हैं इनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सी इसका राइट आंसर होगा। 46वां क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, 7 जिले हैं हरियाणा गठन के समय। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 2 आंदर भूमियों को मान्यता दी गई है। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय किया गया था? तो राष्ट्रकूट डी इसका राइट आंसर होगा। विजय नगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले? बी इसका राइट आंसर होगा, हम्पी के अंदर। 1857 के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो साथियों बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद बर्मा भेज दिया गया था, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, म्यांमार में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? ए इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि लौटाई थी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? वीर सावरकर जी के नाम पर। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित है? तो राय बहादुर सर छोटू राम सम्मानित हैं। हरियाणा के बर्मा सरोवर को किस विभूति ने महासागर बताया था? अबुल फजल ने। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थानों पर हराया? तो तरावड़ी, ये करनाल के अंदर पड़ता है साथियों। करनाल में दो युद्ध हुए थे, पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से नहीं है? तो मेरे हिसाब से इसका सी राइट आंसर होना चाहिए, गुलाब चंद कटारिया का हरियाणा से संबंध नहीं है, वो राजस्थान के हैं, विपक्ष के नेता भी हैं फिलहाल, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो ए इसका राइट आंसर होगा, अनुष्का शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो साथियों अभी ये बदलाव हुआ है, कर्नाटक के जो पहले येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे उसके बाद अब बसवराज बोम्मई को बनाया गया है, तो इनके पिता का नाम है SR बोम्मई। सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग, साइना नेहवाल और PV सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 62वें का बी, प्रिया मलिक। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुसरला वैकेंट सिंधु। ए इसका राइट आंसर होगा। 64वां क्वेश्चन है, खेला होबे शब्द किस राज्य से संबंधित है? यानी कि किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था खेला होबे? तो आपको पता है पश्चिम बंगाल चुनाव से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की जो फिलहाल मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने चुनाव अभियान खेला होबे की शुरुआत की थी, क्योंकि वो पैर से चोटिल हो गई थी और चोटिल होने के बाद उन्होंने फुटबॉल को क्लिक करके और ये शब्द दिया था खेला होबे। आकाशवाणी के निर्देशक कौन हैं? तो 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, NV रेड्डी। 66वां क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं, यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय है? जाति का नाम या समुदाय का नाम, गोत्र का नाम या खादर क्षेत्र के कारण? तो साथियों मेरे हिसाब से तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खदरी उनका गांव है। जी हाँ साथियों, खदरी गांव है यमुनानगर के अंदर, जहां से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी बिलोंग करते हैं, वो खदरी गांव के सरपंच भी रहे हुए हैं। हरियाणा में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू
दत्तात्रेय किस क्रम के हैं? तो 18वें क्रम के हैं ये। उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों में नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वां, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता ये है सी, वे अविवाहित हैं। जी साथियों, शादी नहीं कर रखी है। इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हुए हैं? तो शायद चरण सिंह होगा। चरण सिंह भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हुए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय कहाँ पर है? तो नॉर्थ ब्लॉक में है साथियों। भारत सरकार का गृह मंत्रालय का मुख्यालय। ऐसा या ऐसी कौन सी नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रही, बाद में देश का प्रधानमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर ए होगा, इंदिरा गांधी जी। कि इनमें से कौन सा हरियाणा पुलिस का अधिकारी नहीं है? तो आमिद अख्तर और ओपी सिंह जी तो हैं। मोहम्मद साइन, ए या सी में से इसका राइट आंसर कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से सी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद अकील। बकरी का वैज्ञानिक नाम बोस इंडेक्स। बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो हांसी आएगा साथियों इसका राइट आंसर। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी की फुल फॉर्म होती है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? 79 क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों सी, नवराज संधू। हरियाणा के किस भूतपूर्व, ये भी नहीं पता साथियों। हरियाणा पुलिस का मोटो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है साथियों, सेवा सुरक्षा सहयोग। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, वैसे इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसमें एट आएगा, इसमें स्लोवेस्ट। सी ए, 90वां क्वेश्चन का राइट आंसर बी होना चाहिए। बी, 91वें का सी और 92वें क्वेश्चन का भी सी, ए लिटिल। ये 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो बी होगा साथियों, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, ससुंदर के सिर में चमेली का तेल, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये आप देख लेना, हिंदी का नहीं करवा रहे हम। ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं 93 से, ये करवा देते हैं साथियों। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। तो साथियों ये मैथ का क्वेश्चन है, 93वां, इसका राइट आंसर होगा बी। 93वां क्वेश्चन के राइट आंसर होगा बी। 94वां क्वेश्चन भी मैथ का है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितनी कमी की जाए? 94 का राइट आंसर होगा सी, 9 सही, 1/11% अगर कमी की जाए चौड़ाई में तो हम वर्दी में 10%, मतलब लंबाई में 10% वृद्धि करने के बाद भी क्षेत्रफल सेम रहेगा। 95वें क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों 95, ए 336, ये रीजनिंग की सीरीज है। 96वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है? तो 96 का राइट आंसर होगा बी, 14/19 सबसे छोटी है। 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य हो जाए? ए इसका राइट आंसर होगा, 3 जोड़ने पर यह 9 से भाज्य हो जाएगी साथियों। 98वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लकड़ी। 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। तो साथियों हमने लगभग क्वेश्चंस के आंसर आपको करवा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका राइट आंसर आपको बता देंगे। और जो भी क्वेश्चन रह गए हैं या किसी का आंसर अगर गलती से बताया गया है तो उसका राइट आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या
अरेनापुलिस SI पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।